आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू गैसियस फ्यूल्स हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सो देखिए इसका आंसर होगा, देखिए गैसियस फ्यूल्स के केस में क्या होता है, जब भी हम लोग इसको बर्न करते हैं तब यहाँ पे जो भी वेस्ट होता है मतलब वो सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता। जबकि अगर हम लोग सॉलिड या लिक्विड फ्यूल्स के बारे में देखें तो वहाँ पे इस तरीके का अनबर्न्ड वेस्ट होता है, ठीक है। सो गैसेस के केस में ऐसा अनबर्न्ड वेस्ट नहीं होता, सो दैट इज एन एडवांटेज। सो और देखते हैं, सबसे पहले ये लिख लेते हैं, देखिए देयर रिमेन्स नो अनबर्न्ड वेस्ट इन गैशियस फ्यूल अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स। ओके, सो और देख लीजिए, देखिए गैस के अलावा यानी कि सॉलिड और लिक्विड के केस में जब भी हम लोग उसको गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तब कंपैरेटिवली गैशियस फ्यूल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाता है। और तो और हमारा वोलेटाइल लिक्विड और वोलेटाइल सॉलिड को हाई टेम्परेचर भी चाहिए होता है, हमारा सॉलिड फ्यूल्स और लिक्विड फ्यूल्स में, गैशियस फ्यूल्स में ऐसा नहीं होता। सो यस, whether solid or liquid, combustion occurs when volatile solid of liquid under high temperature converts to gas. So energy is wasted. To get the solid and liquid, converted into gas. ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो जो मैंने आपको समझाया वही मैंने लिख दिया ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो जाए। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।